बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। खतीजा किचन में वेलकम है आप सबका। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की बहुत अच्छी से समझ आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से वीडियो को वॉच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मेथी यानी कि कसूरी मेथी। ये मैंने ले ली है व्यूअर्स 200 ग्राम और इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। यहाँ पर मैंने 2 जो है पोटैटो ऐड कर लिए हैं इसमें। इनको मैंने बारीक सा मतलब नॉर्मल पीसेस में कट कर लिया है। 2 मैंने अनियंस ले लिए हैं, रफ सा कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और मैंने 7 से 8 अदद यानी कि 1 टेबल स्पून भरकर ग्रीन चिली रफ चॉप की है। और यहाँ पर 2 मैंने टमाटोज लिए हैं, इनको भी मैंने रफ सा चॉप कर लिया है। तो व्यूअर्स इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी सी चाहिए, अच्छा सा मतलब कि मसाला हमें चाहिए, ताकि जब मसाला थोड़ा अच्छा सा बन जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आलू मेथी बहुत मज़े की लगती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम सख्त मेथी आलू बना लेते हैं तो वो बिल्कुल खाई नहीं जाती और टेस्ट में भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप थोड़े से इसमें जो हैं अपने इंग्रेडिएंट्स यानी कि ये अदरक लहसुन वगैरह और ऑनियंस वगैरह टमाटोज वगैरह ज़्यादा रखते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम नरम से बहुत टेस्टी लगती है। तो आप बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी मेथड से बनाइएगा, आपकी बहुत अच्छी लगेगी। आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। ऑयल ऐड होगा 1/2 कप, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो व्यूअर्स इसको मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये सूखी मेथी है तो मेथी को हम पहले अलग से सेपरेट से गलाएंगे। पोटैटो ऐड करके फिर मैं इसको दम पर कुक करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ऐड करती हूँ इसमें मैं 1/2 कप ऑयल। ऑयल ऐड कर दिया है हमने इसमें 1/2 कप। जैसे गर्म होगा फिर अनियंस ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, ऐड कर देते हैं अपने अनियंस। अनियंस ऐड हो चुके हैं, इनको हम लाइट सा गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ऑनियन हमारे लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब ग्रीन चिली पेस्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं। ग्रीन चिली एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, इनको अच्छे से भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। फिर टमाटोज ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देते हैं टमाटोज, इनको भून लेते हैं। अब व्यूअर्स हमने क्या करना है, अब हमने टमाटरों को और स्पाइसेस और मेथी इनको इकट्ठे ही हम भूनेंगे, क्योंकि जब हमने मेथी को गला लेना है, गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तो ये सभी चीज़ें इकट्ठे ही मैश हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो ऐड कर देते हैं इसमें अपने स्पाइसेस। तो ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं जो जो आपको बताया था सभी ऐड कर दिए हैं। इनको भून लेते हैं। पानी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, अभी इसके साथ ही हम जो है अपनी मेथी ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं मेथी। मेथी को हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको स्पाइसेस को मेथी को इकट्ठे ही भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, इनको कुक कर लेंगे। फिर ये सभी चीज़ें जो इकट्ठी ही कुक हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये इसके साथ ही हम पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं भूनने के लिए, थोड़ा सा, ताकि हमारे मसाले गले नहीं। बस इतना सा पानी ऐड कर दिया हमने, इसको हम भूनते हैं। देखिए थोड़ी सी भून जाएगी, फिर हम पानी थोड़ा सा ऐड करके इसको वेट लगा देंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा सा पहले भूनने में आ जाए, फिर इसको गलाने के लिए हम वेट लगाएंगे। तो गाइस हमने 4 से 5 मिनट हो गए मेथी को भून दिया है, अब इसमें पानी ऐड करते हैं और इसको वेट लगा देते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको भूना है नॉर्मल फ्लेम पर। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी इसकी एक स्मेल है, खुशबू है जो आ रही है। तो पानी ऐड करते हैं इसको गलाने के लिए। यहाँ पर मैं छोटा वाला एक गिलास जो है, बिल्कुल छोटा वाला गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा। और इसको हम जो है वेट लगा देते हैं, ताकि अच्छे से जब सॉफ्ट हो जाएगी
तो फिर बाद में हम अपने पे टैटू ऐड करके इनको दम पे लगा देंगे दोनों चीज़ों को। तो व्यूअर्स, हमारी जो है सूखी मेथी जो है ड्राई मेथी हमारी कुक हो गई है। हमने इसको इतना ही कुक करना था। अब इस टाइम पर हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे और इसको दम पर लगाएंगे। पोटैटो ऐड कर दिए हैं पोटैटो और इनको अच्छे से भून लेते हैं। भून कर फिर इसको मैं दम पर लगाऊंगी। फिर ये इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत मज़ेदार क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। वो मैं 4 से 5 मिनट के लिए भून लेती हूँ, फिर दम लगा देंगे हम। व्यूअर्स आप यकीन नहीं करेंगे इतनी मज़ेदार बनती है। जो लोग मेथी नहीं खाते इस तरह से बनाएंगे तो वो भी ज़रूर खा लेंगे। इतनी अच्छी इसकी स्मेल और खुशबू आती है पूरे घर में, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो व्यूअर्स हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इस टाइम पर लगाएंगे उसको दम सिर्फ अपने पोटैटो गलाने के लिए। और ये थोड़ी बहुत आपको कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं इसमें, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही यूनिफॉर्मली आ जाएगी। इसको लगाएंगे हम 15 मिनट के लिए दम, बिल्कुल हल्की आंच पे। नीचे रख देंगे हम तवा। तो ये दम लगाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। ये जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं ये मेथी के ही होते हैं, ठीक है। इसको अक्सर लोग कहते हैं कि आप इसको निकाल दें, निकाल कर कुक करें। नहीं, ये मेथी के ही होते हैं। ये ऑलरेडी जो मेथी होती है ये बिल्कुल साफ़ होती है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। और अगर फिर भी आपके दिल में कोई इस तरह की बात रह जाती है तो आप इसको निकाल दें। मैं तो खैर इसको नहीं निकालती क्योंकि मुझे पता है ये मेथी का हिस्सा है, तो आप इसको ना निकालें। मेरी तो आपको यही मशवरा है, जब आप इसको कुक कर लेते हैं अच्छे से तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर गल जाती है। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लें, वरना आप क्या करें कि आप मेथी को अच्छे से वॉश कर लें या इसको हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर लें। वॉश कर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ सुथरी मेथी होती है, यहाँ पर पैकेट में बहुत अच्छे से मिलती है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा गर्म नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। वॉश करने से इसकी गिजायत निकल जाती है पानी में, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी ड्राई की होती है, तो इसको वॉश करके ही ड्राई किया जाता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि नहीं जी इसमें तो ये है या ऐसे है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ ये मेथी के ही हिस्से होते हैं। आलू मेथी हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। देखिए आप, मेथी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब करते हैं डिश आउट। तो व्यूअर्स फाइनली हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी बनके रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप व्यूअर्स इस तरह मेरे मेथड से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़े की बनेगी। और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।